हाँ बोल सर, अविनाश। मैं तेरे को क्या है कि मेरे कल भी फोन लगा रहा था, मेरा फोन मेरी वाइफ ने नीचे रख लिया, वो इस चीज को समझ ही नहीं रही। एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम इंदौर गए थे, वहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, ठीक हाँ है, तो हम वहां से यहाँ रेफर करके आ गए। यहाँ हाँ इसलिए रेफर कराए क्योंकि ये हमारे किसी रिलेटिव ने सजेस्ट किया था कि यार यहाँ चले जाओ, यहाँ 2 बेड खाली है, ठीक है। हम लोग यहाँ रात को एडमिट हो गए, तो मैं आईवी सेट वगैरह लगवा रहा था, है ना, तो किसमें आईवी सेट लगवा रहा था, तो मेरे इसमें से ब्लड निकला थोड़ा, से आईवी सेट में से, वो क्या होता है? हाँ आईवी सेट जिस बॉटल ड्रिप चढ़ती है ना, हाँ अरे ड्रिप चढ़ाने के लिए आईवी सेट नहीं होता है। हाँ हाँ वो हाथ में लगाते वो। हाँ, हाँ तो ब्लड निकला उसके अंदर से, तो हाँ बिस्तर खराब हो गया, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये बेडशीट बदल दे, तो सुनना मेरी बात, उसने क्या बोला, अरे बोले कल तो बिछड़ी बदल जाएगी। मैंने कहा यार उसकी आंखों में एक वो अलग ही चीज थी, मैंने कोई बात नहीं क्या, और आज आज सुबह से इन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी हमको, ठीक सोनी है, हॉस्पिटल में तू है सोनी हॉस्पिटल में कौन से वार्ड में? 205 नंबर आइसोलेशन वार्ड कोविड केयर में, है ना सोनी हॉस्पिटल जयपुर है ना, कौन से एरिया में हमारे हॉस्पिटल ये? यार, ये तो मैं तेरे को भेज दूंगा। डॉक्टर का नाम क्या है? तो अरे डॉक्टर कोई बंसल है, आर बंसल डॉक्टर आर है ना, बंसल। लेकिन उससे बात करने का मतलब नहीं है, वो दलाल है, यहाँ पे हॉस्पिटलों को मैनेज कर लेगा। और दूसरी चीज सुन, मैं इंदौर में यूरेका में भर्ती था, कहाँ पे भर्ती वहाँ था जो इंदौर में? हाँ यूरेका में, वहाँ जो नर्स थी, उस नर्स को हमने फिर बाद में सीएचएल अपोलो में देखा है ना, और सीएचएल अपोलो में जब यहाँ आए तो यहाँ भी वही वाली नर्स मेरे को दिखी, तो मैंने सब पूछा, मैंने दीदी यार इंदौर से, तो बोलती मैं तो रीवा थी क्या। और रात को क्या हुआ कि जब सब लोग सो रहे थे, तो मैं भागने के लिए कोई रास्ता देख रहा था, तो मैं क्या पैदल गया बाहर, तो शायद उसी समय वो बंसल का फोन आया था, यार कितने लोग आए आज, तो उसने बोला कोई 2 लोग आए, तो बोले किसके रेफरेंस से आए, तो बोले वो तो खुद के रेफरेंस से आ रहे हैं, मैंने बोले कहाँ है, बोले अंदर पड़े हैं दोनों, तो मैं बताऊँ अब क्या हमको पूरा लीक करके इनके पीछे कहीं चेंबर में डालेंगे और जितना भी ऑर्गेंस निकालेंगे और उसको बॉडी को पूरा चेक करके, क्योंकि कोविड का कोई भी नहीं मांगता है ना, कोविड का कोई भी नहीं मांगता है, अब भाई तो हमको निकाल यहाँ से क्या, हमको है ना, हालांकि हम लास्ट स्टेज पे, बाहर आके मर जाएंगे कोई बात नहीं, या कीड़ा खड़ी करेंगे जिंदा देते अरे यार तो भाई, ऐसा मत बोलो अविनाश, दवाई बिल्कुल भी नहीं दे रहे क्या? उसी पर बहस हो रही सुबह से क्या, और कोई और पेशेंट नहीं है क्या वहां पे? अरे यहाँ अंदर हम 2 ही हैं, और हमसे बाद वाले में भी कोविड के पेशेंट हैं, लेकिन वो सब शायद लोकल हैं क्या। यार तू एक बात बता अविनाश, यार तू इतना पढ़ा, मैं था इधर तो तू मेरे को बोल देता, मैं उदयपुर में तेरी व्यवस्था कर रहा था, तू जयपुर कहाँ चला गया इंदौर से? यार समझा कर किसी बात को यार, यार गजब कर भाई दिया तुमने यार। मैं बहुत परेशान हो गया यार, और अगर मैं आज नहीं निकला ना, तो आज तो हमारी क्या बोलने की हिम्मत नहीं है, कल हम शायद उठने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। मैं अब तू रुक जा, अब मैं ना मैंने तेरी वॉइस रिकॉर्डिंग करी है पूरी, मैं तेरे को बता हाँ देता हूँ, हाँ और मैं ना ये भेजता हूँ आगे। तेरा हॉस्पिटल हाँ का एड्रेस क्या है? हाँ ये आर के सोनी, ये सोनी हॉस्पिटल कोई है ना, लेकिन अमित जवाहर अगर नगर हम में ना, तो यार ये एड्रेस देखना पड़ेगा यार, तो एक फोटो वोटो मिनट भेज सकता है व्हाट्सएप पे मुझे भैया के उससे? ठीक तू सर्च करना, मेरा मोबाइल नीचे है यार, है यहाँ और अभी का ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो गया कि अब हमको कुछ सुनाई समझ, बोलने में भी नहीं आ रहा, सुनाई भी नहीं दे रहा है। मैं अब तो छोड़ फोन काट, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ व्यवस्था में बात कर रहा हूँ। और सुन, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, ये उसका फायदा उठा रहे हैं कि बिना आईजीएम कलेक्टर की परमिशन के कोई भी प्रोजेक्ट इधर उधर नहीं होगा, ये बाद में पुलिस प्रशासन भी एक हो जाता है, ठीक है, तो अपने को ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करके, मिले तो प्राइवेट टैक्सी है तो प्राइवेट टैक्सी करना, एम्बुलेंस मत करना, क्योंकि एम्बुलेंस भी सब इनकी अपनी है ना भाई, तू ये करवा जल्दी से, मैं करवा रहा हूँ, बात करता हूँ भाई, तू वो पैनिक कोई मत बात हो। नहीं, तो मैं लोगों को भेज रहा हूँ, जयपुर में जाके मेरे कांटेक्ट में भेजता हूँ भाई, ठीक है? मैं बीकानेर हूँ, मैं सबको कोशिश कर रहा हूँ है ना, मैं कोशिश करता हूँ पूरी। हम अगर आज नहीं निकले तो हम कभी नहीं आएंगे ऐसे, मेरे पापा हो गए इस चक्कर में, तू परेशान हो तो अविनाश मैं कर रहा हूँ कुछ फोन हम काट, इंदौर ठीक? गए थे तो उनको भी ऐसे अंदर पता नहीं भेड़ बकरी जैसा सीट कर दिया,
सब हाथ पैर उनके बांध देते पलंग पे। अच्छा ये नर्स वो इंदौर वाली यहाँ आ गई, तेरे को दिखी वो वही नर्स थी? ये 100% वही नर्स, ये पूरा सिंडिकेट चल रहा है क्योंकि मेरा एक टेक्नीशियन दोस्त था भोपाल में, शाम को वो गया हॉस्पिटल, बिल्कुल सही था, उसको कुछ ट्रीटमेंट दिया उन्होंने और बोला कि आप आराम करो, अगले दिन सुबह खबर भेज दी कि वो शांत हो गया। सुन अब सुन सुन सुन, मैं सबसे पहले अपनी रिकॉर्डिंग अपने ग्रुप में डाल रहा हूँ, इसमें जयपुर के भी दोस्त हैं मेरे, मैं कर रहा हूँ तो परेशान मत हो, मैं कोशिश करता हूँ, मैं पूरा अपनी जी जान लगा दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। तो दो चीज ठीक ठीक है, तो परेशान मत हो, और गर्म पानी वगैरह लाया है तो कुछ करके करके गर्म पानी पीता रहे, उल्टा सो, उल्टा पेट के बल्स हो जाए, तकिए में रखे, ऐसे करने की कोशिश कर, और अपने आप को खुद ही संभालने की कोशिश करोगे तुमको खुद डॉक्टर बनो, अभी अपने ये संभाल ले तू, मैं बात करके करता हूँ यहाँ पे, और परेशान मत हो ना, मैं करता हूँ कोशिश। ठीक है, और ये मैं इधर को एड्रेस कंफर्म कर रहा हूँ, एड्रेस यही है क्या तेरा हॉस्पिटल का? कोकटा बाग 38 जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर है। ठीक है, कौन से वार्ड में? वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 205, वार्ड नंबर 205 है ना, इसके नाम पे किसी को नहीं आने देते, ऊपर याद रखना। नहीं कोई जरूरत नहीं, किसी का आएगा नहीं, मैं बात करवाता हूँ। ठीक है, बात किसी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात मत करना क्योंकि वो लोग ऑलरेडी सब मिले हैं यहाँ पर, समझ गया है ना।